जिले के बेलवा गांव के किसान को अमरूद की खेती से ऐसा लाभ हुआ कि अब किसान परिवार ने पूरी तरह से परंपरागत खेती को छोड़कर अमरूद की खेती करने लगा है। पूरे खेत में अब किसान के अमरूद और आम के बगीचे हैं। रीवा जिले के बेलवा गांव के निवासी किसान ऋषभ सिंह परंपरागत खेती को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि परंपरागत खेती में उन्हें फायदा नहीं हो रहा था। ऋषभ सिंह ने बताया कि खेती के लाभ नहीं होने की वजह से उन्होंने खेती छोड़ने का मन बना लिया था। फिर उन्हें कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने अमरूद की खेती करने की सलाह दी। 5 साल पहले ही किसान परिवार ने अमरूद की खेती करनी शुरू की और कम समय में ही किसान को अमरूद की खेती से सालाना 10 लाख रुपए की कमाई होने लगी है। किसान का कहना है कि उनकी कमाई पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? आपने अमरूद की खेती की है, कितना फायदा हो रहा है और कहां से आपने प्रेरणा ली? जी, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं बिलवा गांव का हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले गेहूं धान ये सब सीजन वाली खेतियों बंद कर दी, खेती करना बंद कर दिया। क्या है कि उसमें नुकसान ज्यादा हो रहा था और फायदा मिल नहीं रहा था, तो मैंने खेती करने बंद करने का फैसला किया। और फिर मैं किसान अधिकारियों से मिला, कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे अमरूद की खेती करने की सलाह दी। और इसमें क्या है कि आप अमरूद लगा देते हैं तो इसमें झंझट नहीं रहती है, आप इससे इसको 1 से 2 साल तक सिंचाई कर देते हैं तो पेड़ अच्छे तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप इससे 10 से 15 साल तक आराम से फल इससे निकलते रहेंगे, आप इसको बेचते रहिए। तो क्या होता है सर कि इसमें लागत एक बार ही लगती है और आप इससे 10 से 15 साल तक रिटर्न ले सकते हैं। कितने की कमाई हो जाती है सालाना और कितने लोगों को रोजगार आपने दे रखा है, क्या काम रहता है? जी, तो जैसे मेरा 5 एकड़ का बगीचा है तो उसमें पूरे अमरूद लगे हुए हैं, कुछ मतलब 2-2.5 एकड़ में लगभग 12 मासी वाले लगे हुए हैं और 2-2.5 एकड़ में आपका एक ठंडी वाला लगा हुआ है। तो इसमें 8-10 लोग रहते हैं जो कि फल तोड़ते हैं, उसको लाते हैं, साफ सफाई करते हैं और मतलब पेड़ों के पत्ते वगैरह वो सब गार्डन की देखभाल करते हैं। तो इसमें आप परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी का ही रुख कर रहे हैं? जी जी, इसमें फायदा बहुत है और मेहनत भी कम है, ऊपर से मैंने 2-4 10 लोगों को रोजगार देकर भी रखा है और लगभग सालाना अच्छी कमाई हो जाती है, 10 लाख तक की कमाई हो जाती है इस समय पे।